भाई यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, साथ ही बिजली बिल का जो बिजली बिल में जो सुरक्षा निधि है उसको बढ़ाने का आरोप लगा करके भाजपा और युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी व युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने घरघोड़ा के जयस्थान चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर कि भूपेश बघेल के पुतला का दहन किया गया। भाजपा और युवा मोर्चा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार प्रत्याशा बिजली की वृद्धि कर रही है, जिससे मतदाताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उपचुनाव में भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ में अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी व युवा मोर्चा का कार्यकर्ताओं ने जयस्थान चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर पुतला का दहन किया गया, जिसको स्थानीय पुलिस और भारतीय जनता पार्टी व युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में हल्का झूमा झटकी भी यहां पर देखने को मिली है। दरअसल जो चुनाव शुरू होता है तो राजनीति चालू हो जाता है, आज जो भाजपा की तरफ से और युवा मोर्चा की तरफ से कहीं ना कहीं आरोप लगा करके यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ दीवान जी है, बात करते हैं कि जिन बातों को लेकर के यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा था और पुतला दहन किया गया था, ये बताएंगे किन बातों को लेकर के आप लोग आज आंदोलनरत हैं और क्या मतलब। देखिए छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से जहाँ तक बिजली बिलों में वृद्धि कर जनता के जेल में डाका डाला जा रहा है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर काफी राज्य लोकसभा का आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से सुरक्षा निधि के नाम पर बिना भेद का उल्लेख किए बिजली कनेक्शन में से तुरंत सुरक्षा निधि पर्याप्त कराई जाती है, जिससे सुरक्षा निधि के नाम से जो अवैध राशि वसूली जा रही है और आम लोगों की परेशानी हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, बिजली बिल भारत का जो वादा था पूरा नहीं हो रहा है, इसे बिजली की समस्या को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आंदोलन कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग बेवजह राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए लगातार जिस इस प्रकार की स्थिति बनी आप इस दिन बिजली की उपलब्धता है, आपने देखा होगा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी आई बिल आता था, आज 1000 से कम सीधे हुए आम छोटे उपभोक्ता का भी बिल नहीं आ रहा है, उसके ऊपर से वहाँ हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, बल्कि सुरक्षा निधि के नाम पर जो 2 महीने की बिजली बिल अतिरिक्त जो अधिकतम खपत के नाम पर फिर से वसूली की जा रही है, हम उपभोक्ताओं से उसके हमें उसका भुगतान और सुरक्षा निधि का ना तो बिल उल्लेख किया जा रहा है ना किस किया जा रहा है, पिछले पहले बताया जा रहा है कि सुरक्षा निधि के नाम पर पैसा दिया जा रहा है, इसका भारतीय जनता युवा मोर्चा विरोध कर रही है। राजनीति तो चलती रहती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, हमारे साथ नगर पंचायत चंदा जी हैं, बात करते हैं बातों को लेकर यहाँ ये बताएंगे क्या मुख्य बिंदु रहा है जिसको लेकर क्या बात बता सकते हैं पुतला दहन बिजली बिल के बढ़ोतरी के बारे में भी आंदोलन था जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में, जहाँ तक पिछले 7 साल में देखा गया है कि बिजली बिल निरंतर बढ़ते जा रहा है, जैसे ही दीवान जी ने बताया कि सुरक्षा निधि के नाम सरकार ने इसका भी हम जो विरोध कर रहे हैं, इस विरोध के साथ में आज भानु प्रताप रूम में जहाँ मध्यवर्ती चुनाव कर रहा वहाँ के भाजपा के उम्मीदवार के विरुद्ध में अनर्गल आरोप लगा के बाबू पे जो लगाया उसका भी विरोध हमने यहाँ पे दर्ज कराया है। जहाँ से चाहता हूँ कि उन्हें सरकार कहते आने वाले समय में जनता उनको सीख रहेगी कि बिजली बिल हाथ करने की बात कहा था, आज बिजली को हाथ करके डबल बिजली दे देंगे जो कार्य कर रहे हैं पूरा नजदीक से, जहाँ तक राजनीति की तरफ बात है तो राजनीति मुद्दा नहीं बना देंगे, सामानों में मुझे वृद्धि है, इसलिए
जब जब चुनाव आया है तब तब हर सामान में जो छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है, कोई गब्बर टैक्स का नाम से आप पत्रकार बंधु के लिए भी कर दिया था, वास्तव में गब्बर टैक्स के नाम से वसूला जाता है। जब भी चुनाव की बारी आती है प्रदेश की, देश के किसी भी प्रदेश में, जहाँ जहाँ पर भूपेश बघेल सरकार भूपेश बघेल पॉलिसी में लड़ के जाता है, तब तब देखा गया है हिमाचल प्रदेश में इसमें ऐसी बढ़ती थी। अब गुजरात में जब चुनाव चल रहा है उस दरमियान भी इनको वहाँ भूपेश बघेल सरकार ने जिम्मेदारी भूपेश बघेल सरकार ने जिम्मेदारी दिया है कांग्रेस की तरफ से, तो ठीक लग रहा है कि ये बिजली बिल कहीं नहीं, बिजली बिल कहीं सुरक्षा निधि के बिना उल्लेख किए हुए सुरक्षा निधि जो ले रहे हैं उसको भी एक ए टी एम के उपयोग के तहत शायद उपयोग कर रहे हैं। चुनाव जब आते हैं तो कहीं ना कहीं किन बातों को लेकर आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? आज पूरे छत्तीसगढ़ के आम जनताओं के प्रति छत्तीसगढ़ सरकार ये मतलब का बिजली बिक्री किया है, सभी छत्तीसगढ़ वासियों पटाखा लाने का काम किया है। विपक्ष का आरोप है कि आप जो भाजपा जो है बेवजह राजनीति कर रही है, जिसका ध्यान और उससे जो हंसी आती है कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। ब्रह्मानंद जी प्रत्याशी हैं और कांग्रेसी लोग लोकतंत्र से डर गए, मतदाताओं से डरे हुए हैं और उन्हें इतना घिनौनी ऐसे घिनौनी इल्जाम लगा रहे हैं। स्वयं मोहन मरदान जी को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र से डर ऐसे घिनौनी जो विषय ला करके जनता के सामने आ रहे हैं, इससे सिर्फ कहा और बात नहीं होता। आप लोगों ने देखिए आज का जो मुद्दा है वो पूरा तरह से जो हमने आंदोलन किया है जन आंदोलन है, जनता के लिए आंदोलन हमने किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सड़क बिजली पानी जो है वो मूलभूत जो है आवश्यकताओं में आती है, और बिजली जो ऐसी चीज़ है जो आज जिसके घर में एक बल्ब जलता है उसको भी उतनी आवश्यकता है, और जिसके घर में जो बहुत सारी उपयोग होती है औद्योगिक उपयोग होता है भी बिजली की आवश्यकता भी पूरी पड़ती है। तो बिजली जो है वो एक जन सामान्य की जो है वो जरूरत की चीज़ें हैं, और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पिछले चार सालों में बेतहाशा बिजली की बिल जो है वृद्धि हो रही है, सिक्योरिटी के नाम पर जो है पैसा आलस से लिया जा रहा है। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि जो जरूरत की चीज़ें हैं उसमें भी अगर भूपेश बघेल जी इस तरह से राजनीति कर रहे हैं और जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये जो है आंदोलन के इस पर आंदोलन करेंगे, और आगे भी भविष्य में अगर इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होती है, भूपेश बघेल जी इस विषय पर कोई बड़ा अपना रुख नहीं अपनाते हैं, तो हम और उग्र आंदोलन के लिए आगे जाएंगे। युवा मोर्चा का ये कारण है कि भूपेश बघेल जी करने के लिए देखिए युवा मोर्चा जो है लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आप देखेंगे पिछले छः महीने का अगर आप देखते हैं तो लगातार कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो राजधानी का हमारा उनका सी एम हाउस घेराव रहा हो और भी अनेक मुद्दों को लेकर युवा मोर्चा सतत जो है कार्य कर रही है, आंदोलन कर रही है और जनता के मुद्दे को जो है मुखर रूप से युवा मोर्चा उठा रही है। हम सभी युवा मोर्चा साथी लगातार जन आंदोलन के लिए कार्य कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव का दौर जब चालू हो जाएगा, अभी जो विधानसभा चुनाव है डेढ़ साल का करीब बचा हुआ है और जो वर्तमान चुनाव चल रहा है, तो कहीं नहीं कहीं जो भाजपा है और कांग्रेस है आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष अपने कार्यों को लेकर के आगे जाती है और विपक्ष जो है विरोध कर करके जनता में अपने हमने माध्य से पाती है कि नहीं, आगे हमें आगे देखने वाली बात होगी। जी हाँ, आप सबसे लाइव देख रहे हैं विकास के साथ में मैं समझ चुका हूँ।